बहन शिक्षक साथियों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको विभिन्न प्रपत्र आपको देने जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आपका अंतः जनपदीय ट्रांसफ़र हो या अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र हो, ये सभी प्रपत्र हमें उसमें काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बारी बारी से जानें और कि क्या क्या है प्रपत्र जो अलग अलग हैं। ये देखिए, शपथ पत्र है जो कि पारस्परिक जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु आपसी सहमति हेतु शपथ पत्र का प्रारूप है। तो यहाँ पर देखिए, आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ द्वितीय आवेदक अपनी फ़ोटो लगाएंगे, तो दोनों लोग इस तरह का ये तैयार करेंगे। तो मैटर मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि फिर मैटर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे ये देखिए शपथ पत्र का प्रारूप है, इसको आप अपने से देख लीजिएगा। यहाँ साइन करेंगे अध्यापक अपना। और ये देखिए सेवा प्रमाण पत्र है, तो ये जैसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। तो पत्रांक हो गया, डेट हो गया, सेवा प्रमाण पत्र हो गया, ये आपका ये HRMS कोड वगैरह ये सब चीज़ें रहेंगी, प्रथम नियुक्ति तिथि वगैरह। इसके बाद देखिए ये जो है पारस्परिक स्थान अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप कार्यमुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। तो जो कार्यमुक्त के लिए प्रार्थना पत्र भी एक ही इसी फाइल में पूरा डाल दिया हूँ मैं। ये अदेय प्रमाण पत्र है। ठीक है, और साथ में ये देखिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट है जो कि हमें लेना जरूरी रहता है। ठीक है, और इसके साथ में ये फिर एक और अदेय प्रमाण पत्र है जो कि खंड शिक्षा अधिकारी इसको प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। तो ये जितने प्रमाण पत्र हैं मैं डाल दे रहा हूँ। सेवा प्रमाण पत्र का एक और दूसरा प्रारूप है जो कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा साइन किया जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में अंतर जनपदीय स्थानांतरण का बताया था, तो कुछ दोस्तों के आ रहा था कि सर अंतः जनपदीय वाले भी थोड़ा डिटेल बता दीजिए। तो डिटेल दोस्तों पूरी वही है जो इसमें खास देना, एक कमेटी बनी है कि इसमें देखिए डायट प्रचार महोदय हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, BSA सर हैं, वित्त एवं लेखाधिकारी हैं, ये सभी लोग हैं। और साल में दो बार किया जाएगा, ये हर एक बार बताया गया है। और कई यहाँ पर जो है प्रधानाध्यापक जो है प्राथमिक के वो प्राथमिक में ही जाएंगे, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक प्राथमिक में ही जाएंगे, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में जाएंगे, और प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सेवा अवधि कम से कम 6 जून तक आपके 5 वर्ष से अधिक हो, ये एक नियम रखा गया है। और अभी भी दोस्तों साइट काम नहीं कर रही है, इसकी साइट जो है intradistricttransfer.upsdc.gov.in। ठीक है, इस पे देखिए ध्यान क्या देना है आपको, कुछ चीज़ें ध्यान वाली मैं बता दूँ। ID पर ये पोर्टल पर जाकर आपको मानव संपदा जो आपकी ID है और मानव संपदा पोर्टल पर जो अंकित मोबाइल नंबर को भरा जाएगा तब आपकी लॉगिन बनेगी। वांछित विवरण भरे जाने के उपरांत उनके मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा जिसे निर्धारित स्थान पर भरे जाने के उपरांत ही लॉगिन किया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो प्रक्रिया काफ़ी अच्छी है, इसका देखिए 11th पॉइंट काफ़ी अच्छा है, जिससे भी हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। ठीक है, शिक्षिका जिसके अंतः जनपदीय पारस्परिक हस्तांतरण किया जाना है, इस शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के उपरांत, तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलेगा इसको जान लीजिए क्योंकि तभी ये प्रक्रिया पूर्ण होगी और सभी पूरा आपको फॉलो करना है। शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन दिए गए निर्देश के अनुसार भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए शिक्षिका स्वयं उत्तरदायी होंगे। और शिक्षिका द्वारा भरा गया रजिस्ट्रेशन पत्र, देखिए जब ये रजिस्ट्रेशन आपको पत्र आपने भर दिया, जब तक BSA सर उसको अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपको अप्लाई आप आगे नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षिका के रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। सत्योपरांत संबंधित शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन पत्र मान्य होगा। एक बार उन्होंने मान्य कर दिया तब आगे की कार्रवाई स्टार्ट होगी। तो रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन होने के पश्चात शिक्षिका द्वारा लॉगिन किए जाने पर जनपद के पात्र अध्यापकों के रजिस्ट्रेशन का विवरण जो है वो प्रदर्शित होने लगेगा। तो जिससे भी आप सभी का होने लगेगा, लेकिन जिससे भी आप चाहते हैं आपने पहले ही जो बात कर रखी होगी, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके पास जो OTP जाएगा वो आपको डालना है और वो भी शिक्षक यही कार्य करेगा। तो इस पॉइंट को फिर से देखिए, शिक्षिका जिसके साथ अंतः जनपदीय पारस्परिक हस्तांतरण किया जाना है, उस शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के उपरांत शिक्षिका उसके साथ अंतः जनपदीय पारस्परिक हस्तांतरण किया जाना है के मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। शिक्षिका द्वारा OTP
संबंधित शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा शेयर किया जाएगा। दूसरे के पास गया वो जब आपसे शेयर करेगा तभी ये म्यूचुअल माना जाएगा, जिससे निर्धारित स्थान पर भरे जाने के उपरांत एक दूसरे शिक्षक शिक्षिका का आवेदन पत्र अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु मान्य हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जाके मान्य होगा जब अब तक आपको कोई म्यूचुअल नहीं मिलता है। तो कई और प्रश्न आ रहे थे कि क्या बिना म्यूचुअल के नहीं होगा, तो नहीं होगा, अभी बिना म्यूचुअल के नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें लिखी हैं कि डाक द्वारा कुछ भी नहीं भेजना है, सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी, ठीक है। और अंतर जनपदीय स्थान के पश्चात शिक्षक शिक्षिका एक दूसरे के कार्यरत विद्यालय पर पद स्थापित किए जाएंगे। अब ये नहीं कि कहीं और होगा, जहाँ से वो आएंगे वहीं आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल। थैंक यू।